हेलो एवरी वन गुड इवनिंग एम आई ऑडिबल माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू पीपल गुड इवनिंग एवरी वन जल्दी से जुड़ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आर लेक्चर जल्दी से जुड़ जाइए एवरी वन यस क्विकली हेलो गाइस सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं गुड इवनिंग एवरी वन क्विकली ज्वाइन इन द सेशन आई होप voice वॉइस इज क्लियर टू यू पीपल यस गुड इवनिंग good evening। गुड इवनिंग hmm. yes. जल्दी से जुड़ जाते हैं एंड हम स्टार्ट कर लेते हैं चलो आई एम ऑनलाइन एंड आई कैन सी स्टूडेंट्स आर joining। So let's start so, dear <coughs> आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्लांट बायोटेक अब प्लांट बायोटेक में वन शॉट रिविजन में आपने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम इम्पोर्टेंट है अगर वन शॉट रिविजन की बात करते हैं प्रांशु सर ने आपके साथ वन शॉट रिविजन डिस्कस किया था उसमें आपको ध्यान होगा कि एग्रोबैक्टीरियम इम्पॉर्टेंट है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी तो आज उसी पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यस ओके फाइन एंड डियर एस्पायरेंट्स जो भी गेट ट्वेंटी फोर को टारगेट कर रहे हैं आपके जूनियर्स हो आपके साथ वाले हो जो भी गेट ट्वेंटी फोर को टारगेट कर रहे हैं दे कैन नाउ अवेल फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ आई एफ एस स्पेश गेट आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है इंडिया फिफ्टी और जो बैच स्टार्ट होगा वो फेबररी ट्वेंटी से होगा फेबररी ट्वेंटी से फॉर टारगेटिंग गेट ट्वेंटी फोर ओके फॉर टारगेटिंग गेट ट्वेंटी फोर सुमितियली वेरी गुड चलो सब आ गए हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं ठीक है सो हम क्या देखेंगे किस तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाएंगे चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई एनकेप्सुलेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज ठीक है मीन्स आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करा है मतलब कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं आपने सोमैटिक एम्ब्रियोज ऑप्टेन कर लिए अब इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को आपको क्या करना है एनकैप्सुलेट करना है इसे स्टोर करना है तो जनरली सिंथेटिक सीड्स जो बनाई जाती है उनमें किस कंपोनेंट का कोटिंग की जाती है ठीक है ओके ओके हम्म चलिए तो मानसी नहीं मेरी कोई टीम नहीं है कल ओके यस वेरी गुड आंसर विल बी ऑप्शन डी इट इज सोडियम एल्जिनेट ठीक है ये क्या होता है सोडियम एल्जिनेट वेरी गुड एवरीवन वेरी गुड ठीक है कि सिंथेटिक सीड्स का एनकेप्सुलेंट या कोटिंग की जाती है सोडियम एल्जिनेट से अल्का नैनवाल वॉट यूर आस्किंग उ टू परेट विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई एफ एस ऑनलाइन डॉट कॉम वहां पर आप टेस्ट सीरीज पे चले जाइए वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में गेट पे चले जाइए फिर एक ऐसे हो गया शैलेष जी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में गेट पे चले जाइए फिर फिर अगर आप गेट एक्सेल को टारगेट कर रहे हो तो आप दो कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो अगर आप बीटी को टारगेट कर रहे हो तो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ओके okay, एवरीवन चलो बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए व्हाट शुड बी द आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट इनमें से कौन सा वैक्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए काम करता है चाहे हम प्लाजमेट की बात करें चाहे हम कॉजमेट की बात करें चाहे हम फाजमिड की बात करें ठीक agro, है हो, 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 कौन यूज़ किया जाएगा? देवदीप क्या बोल रहे हो आप? गायत्री, ओके आई विल टेक योर वर्ड्स इन कंसिडरेशन डेफिनेटली आएगी गायत्री केमिस्ट्री की भी आएगी ठीक है सो प्लाजमिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया कॉजमिट प्लाजमिट है ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं फाजमिट तो लैमडा फाज बट एग्रोबैक्टीरियम क्या है नेचुरली अकरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टू एंड यही मोस्ट एक्यूरेट आंसर है जिसे हम क्रॉप इंप्रूवमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया था ये क्या हो गया था ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रो बैक्टीरियम टी आई प्लाज्मेट इज करेक्ट द फुल फॉर्म ऑफ आई द फुल फॉर्म ऑफ बताइएजीनस प्लाज्मेट भी होता है ना आर आई प्लाज्मेट टी आई प्लाज्मेट टी आई का फुल फॉर्म क्या होता है अगर हम टी आई की बात करते हैं तो वॉट इज द फुल फॉर्म फुली आई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट डी ओके ट्यूमर इंड्यूजिंग प्लाज्मिड ये किस में ट्यूमर इंड्यूस करेगा इन दी होस्ट किसमें इंड्यूस करेगा ट्यूमर इन द होस्ट ठीक है सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम टी आई प्लाज्मेड इज करेक्ट वेर जीन्स आर लोकेटेड विद इन दी ट्रांसफर डी एन ए सेगमेंट टी डी एन ए मतलब ट्रांसफर डी एन ए तो वायरुलेंस के जीन ट्रांसफर डीएनए के आउटसाइड होते हैं फाइटोहार्मोन बायोसिंथेसिस जीन आर लोकेटेड आउटसाइड दी ट्रांसफर डीएनए सेगमेंट दे आर प्रेजेंट विद इन टी डी एन सेगमेंट विद इन टी डी एन सेगमेंट ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स आर लोकेटेड विद इन टी डी एन सेगमेंट नहीं ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं

ओके okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं सम ऑफ साइटोकाइन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सम ऑफ साइटोकाइन्स यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया आर गिवन बिलो विच ऑफ दीज आर सिंथेटिक एनालॉग्स सिंथेटिक कौन से हैं इसमें से नैचुरल कौन से हैं ये बता दो पहले तो इसमें से नैचुरल कौन से हैं जी जैसे मैं बैप का फुल फॉर्म लिख दू तो इट इज सिक्स बेन्मिनोप्यूरिन वहीं अगर मैं आईपी का फुल फॉर्म रखू तो सिक्स अमीनो अमीनोप्यूरिन ये इनके फुल फॉर्म्स हैं ठीक है जियाटिन और काइनेटिन जो है नेचुरली अक्रिंग है नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइंस वहीं अगर मैं बैप और टू आईपी की बात कर रही हूं सिक्स अमीनो प्यूरिन ये क्या है सिंथेटिक एनोलॉग्स हैं आंसर तो क्या हो गया पी एंड आर ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है है ना ये आपका क्या हुआ है ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आता है तो ठीक है लेकिन देखो इसका आंसर हमें करेक्ट आंसर आने की जरूरत नहीं थी हमें ये पता होना चाहिए था जी और काइनेटिन जो होते हैं वो क्या होते हैं दे आर नेचुरली नेचुरिंग तो भी आप आंसर ऑप्शन बी डी ऑप्शन डी निकाल लेते पी एन आर नहीं पी एन आर नहीं होगा आंसर पी एंड एस होगा आंसर ऐसे uh, कैसे काइनेटिन क्या है हम? कल्चरल मीडिया में बैप और टू आई पी यूज करते हैं हम ओके ये इसका एनालॉग है राइट 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 ये इसका एनालॉग है दिस इज नेचुरली अकरिंग है ना पी एंड आर होगा राइट सुमित जी पी एंड आर होगा राइट पी एन आर होगा काइनेटिन नहीं हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जैंथोफिल्स कैरेटोनॉइड्स हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं क्वांटाजोम में प्रेजेंट होते हैं है ना हाँ जी बिल्कुल सुमित जी तो इसमें क्या होगा फ्लोरिजिन क्या होता है किसको पता है फ्लोरेजिन के बारे में जो फ्लोरिजिन होता है वो क्या होता है तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोटीनेशियस हार्मोन इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं ये क्या है ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है और ये किसमें यूटिलाइज़ होता है ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है ये सिस्टमेटिक सिग्नलिंग में यूटिलाइज किया जाता है और फ्लारिंग ओनली और फ्लारिंग ओनली सिस्टमेटिक सिग्नलिंग हो फ्लारिंग होने के लिए उसमें फ्लोरोजिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है बाकी क्लोरोफिल जैंथोफिल्स के बारे में आप पता ही है क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जैंथोफिल्स कैरेटनोइड ये अगर हम बात करते हैं तो दीज आर दी एसेसरी पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट या एंथोसाइनिन ये लीफ फ्लावर फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं ये किसको प्रोवाइड करते हैं लीफ फ्लावर फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं रेडिश पर्पल रेडिश कलर के पिगमेंट्स होते हैं पर्पल रेड कलर के ये पिगमेंट होते हैं ओके okay? चलो नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं अब हम विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट पहले तो यह बता दो प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है यह बता दीजिए वॉट डू मीन बाय प्रोटोप्लास्ट यस वॉट डू मीन बाय प्रोटोप्लास्ट बी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल बिल्कुल सही बात है मैनी टोल्स और बीटोल मैन ओल ये सब यूज नहीं होते हैं इज प्रोटोप्लास्ट एवरी वन वोटोप्लास्ट हम्म सेलवॉल नहीं है सेलवॉल नहीं है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं द बीटी टॉक्सिन जीन ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से है बैसिलस थुरिंजिनेस यूज्ड टू जनरेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्राई, क्रो सीडीसी और क्रे कौन सा प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन होता है है ना डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो कोड करेगा दैट विल बी दी क्राई प्रोटीन दैट विल बी व्हाट दैट विल बी द क्राय प्रोटीन यस आगे बढ़ जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ इसका आंसर बताइए हाँ डिजिटॉक्सिन पायरेथीन प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर प्लांट बायोटेक से आते हैं इफ़ यू नो यू नो इफ यू डोंट इट्स टोटली फाइन इट्स टोटली फाइन ठीक है यस yes. सो so, अगर हम बात कर रहे हैं तो पायरेथीन क्या होता है सैरेसिलिक एसिड क्या होता है एवन एसिन क्या होता है बी hmm. चलिए पायरेथिन के बारे में कौन क्या जानता है ये भी बता दो थोड़ा सा आंसर तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं आप लोग है ना इट इज अ पेस्टिसाइड ठीक है इट इज व्हाट इट इज अ पेस्टिसाइड ये क्या करता है जनरली इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है और रेडिली उसकी न्यूरल सिग्नलिंग पे इफेक्ट करेगा तो इंसेक्ट विल बी पैरालाइज्ड अगर हम डिजिटॉक्सिन वगैरह की बात करते हैं तो दे आर वॉट दे आर सोडियम पोटेशियम पम्प इनिबीटर्स सेलेसिलिक एसिड सेलेसिलिक एसिड इज अ कंपाउंड विच इज यूज रिचली इन स्किन कॉस्मेटिक्स एवन आइसिन एवन क्या होता है ये सेपोन को बिलोंग करता है ठीक है ये सेपोन को बिलोंग करता है

डिग्रेडेशन ऑफ द इंसेक्ट और किलिंग ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट्स आर किल्ड ड्यू टू पैराल इंसेक्ट आर किल्ड ड्यू टू पैरालिस ऑप्शन बी बिल्कुल अनदिता चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स बोध दीन्स लेग्यूमस प्लांट्स जिनमें रूट नोडुल्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इन लेग्यूमस प्लांट्स वो दी राइजोबियम जीन्स एंड दी प्लांट जीन्स इन्फ्लुएंस नोड्यूलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एनकोडेड बाय दी होस्ट प्लांट जीन मतलब प्लांट का क्या काम नहीं है हाँ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूजर्स डेट मॉडिफाई राइजोबियल सेल बॉल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेविनॉइड

मॉडिफाई करता है वो फ्लेवोनॉइड एक्ट करता है वो बैक्टीरिया और लेग्यूम में कनेक्शन बनाता है दिस इज ट्रू ना दिस इज ट्रू ओनली आर प्रोड्यूस्ड बाय, चलिए अब बताइए साइब्रिड्स कौन प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है सी देखिए सोमैटिक फ्यूज सोमैटिक फ्यूज हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन साइब्रिड्स क्या है आपकी जो सिंथेटिक सीड्स कैसे बनती इन पे क्वेश्चंस थोड़े देखे जा सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सीजन साइटोकाइन का क्या रेशियो होना चाहिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ऑप्शन डी इज ऑफ अबव ऑप्शन डी इज ऑफ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया का फ्यूजन नहीं होता न्यूक्लियस एक ही स्पीशी का रहता है और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीशी के आ जाते हैं है ना क्या बोल रहे हैं हम न्यूक्लियस एक ही स्पीशी का रहता है और साइटोप्लाज्म दोनों स्पीशी के आ जाते हैं

ये क्या है कम ऑन एवरी वन इसके बारे में कोई नॉलेज है आपको राइस, एंड टेपोकिया, राई राई को हम सीकेल बोलते हैं तो ट्रिटिकेल किस लिए यूज किया गया है या किस से बनाया है हमने आर्टिफिशियली मेड मॉडिफाइड क्रॉप है तो हमने किससे बनाया है वीट और राइस से वॉट इज टेपो ये क्या होता है बाकी सब तो आपको पता होगा ना एनी आइडिया एनी वन हाँ जी क्या है ये ए वीट एंड राइज ओके सुमित जी ने ए बोल दिया है एंड वॉट अबाउट दर्स कम ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम कम ऑन वॉट अबाउट अदर्स क्या है आपके हिसाब से आंसर ट इज दिस एंड नो इशू दी दी इट इज अ क्रॉसिंग ऑफ रई दैट इज सीकेल एंड वीट दैट इज टियम एंड साबुदाना खाते हैं आप उपास के दिन में साबुदाना खाते हैं उपास के दिन में दैट बिलोंग्स टू टेपियोका ट बिलोंग्स टू टैप्योका नहीं नहीं सुमित जी ए और बी में आप कैसे कन्फ्यूज हो गए चलो सभी लोग इसको स्टार मार्क बना लोगे क्योंकि तुम्हें ध्यान नहीं रहा अब यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है ठीक है बहुत कॉमन चीज है बट मिस्टेक हो जाती है है ना तो हमें भूलना नहीं है इसका स्क्रीन शॉट ले लो चाहो तो यहीं पे रुक जाएंगे ठीक है सो हम यहीं पे रुक जाएंगे so, प्लांट बायोटेक के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए स्टॉप हियर ओनली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगेन ऑन ट्वेंटी सेवेंथ एट एट पी एम ओके टमोरो राई क्या होती है तो तुम्हें नहीं पता अरे भाई वो नहीं देखा तुमने जो राई जीरा मस्टर्ड 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 राइज मस्टर्ड है ना सिकेल बोल रहे हो आप उसको सिकेल मतलब मस्टर्ड एक्जैक्टली exactly नहीं है उसकी तरह की एक स्पीशी है मस्टर्ड जैसी ये मान सकते हो आप ओके ये आप मान सकते हो तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट बायोटेक से पढ़ के जाना है ठीक है तो नेक्स्ट हम मिलते हैं ट्वेंटी सेवेंथ को एट पी एम पे ट्वेंटी सेवेंथ को इलेवन ए एम पे ऑन दी सेम गेट एग्जाम प्रैप चैनल ऑन द सेम गेट एग्जाम प्रैप चैनल आई एफ एस ओके एंड जी ऋषु जी ओके चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग